एवरीवन, वेलकम टू लपिंग क्रिएटिव होममेकर और मैं हूँ प्रियंका। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो, जो कि बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है और बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सलूशन भी उनको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस टाइम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे फीट यानी मेरे पैर, और क्या हालत हो रखी है पैरों की। वही गर्मी अपने पूरी चरम सीमा पे है, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इसलिए हम लोग को डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में। तो इसलिए पानी खूब पिया कीजिए, मैं भी पीती हूँ बट हो जाता है समटाइम। आप देख सकते हो मेरी हील्स में, मेरे पैरों में क्रैक्स पड़ गए हैं और स्किन बहुत ही डेड सी और ड्राई स्किन हो गई है, जो कि देखने में बहुत ही ख़राब लगते हैं बहुत ज़्यादा। और हमें इनसे प्रॉब्लम भी होती है, स्किन के छोटे छोटे से पार्ट स्किन के निकल से जाते हैं, फिर वो बहुत पेन भी होता है वहाँ पे। तो आई थिंक आप लोगों के साथ भी ऐसा होता ज़रूर होगा। मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं, पर्सनली भी कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि दी हम क्या करें, इन सारी प्रॉब्लम्स का कोई सलूशन हो तो बताइए। तो इस चीज़ पे मैं वीडियो एक बहुत पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन तब मैंने सिर्फ स्क्रीन के बारे में बताया था, जो आप इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हो। ये है मेरी DIY क्रैक हील रिपेयर क्रीम। तो जो आप अप्लाई करोगे अपनी हील्स पे, अपने क्रैक्स पे, तो आपको फर्स्ट अप्लाई में यानी पहली बार यूज़ करने में, फर्स्ट यूज़ में इतना फ़र्क मालूम देगा, बहुत ज़्यादा। तो इस पे मेरा, इसको कैसे बनाना है उस DIY पे मेरा एक सेपरेट वीडियो पहले से ही मौजूद है, आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़ चेकआउट ज़रूर करना, बहुत ईजी है मेथड इसको बनाने का और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। अब साथ में एक और छोटा सा हाथ आप देख रहे हो, वो है मेरा बेटा, उसे बड़ा शौक चढ़ा रहता है वीडियो में आने का। तो देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी, और ये फ्रिज में नहीं रखी थी, ऐसे ही बाहर ही रखी हुई थी, बट फिर भी अभी भी इतनी गर्मियां हैं बट ये पूरी तरह मेल्ट नहीं हुई है। तो गाइस, करना क्या है, आपको अपने पैरों को बिल्कुल साफ़ सुथरा धो के सुखा के अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उसके बाद आप पहले एक नीचे टॉवल बिछा लें, ताकि जब आप क्रीम लगाएं और मसाज दें अपने पैरों को तो बिल्कुल भी कुछ भी आपकी बेडशीट वगैरह चिपचिपी ना हो। इस तरह से आपको अपने इफ़ेक्टेड एरियाज़ पे, अपने हील्स पे, पैर के सोल पे, तलवों पे, टोज पे, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, आप अपनी बहुत ही अच्छी तरह से जो है आपको क्रीम अप्लाई करनी है, और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मसाज देना है। तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा कैसे मसाज करना होता है अपने फीट्स को, ताकि ये हो जाए एकदम रिलैक्स और क्रीम हमारी अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए हमारी स्किन में। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखते रहिए।
इस तरह से अपनी फिंगर की हेल्प से और अपने हथेलियों की मदद से, उंगलियों की मदद से, अपने अंगूठे से यानी टोज से प्रेशर दे के इस तरह से आपको अच्छी तरह से मसाज देना है अपने पैरों को। गाइस, पैर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बॉडी का और इन्हें हमें बिल्कुल भी इग्नोर अवॉइड नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, जो कि अक्सर हम करते हैं, अपने पैरों की केयर करने भूल जाते हैं, पर ऐसा ना करें। तो आप देख सकते हैं, आप नीचे भी अच्छे से मसाज हो गई है, थोड़ा बहुत मैंने क्रीम को ऊपर की तरफ भी लगाया है जिससे मेरी स्किन अच्छी हो जाए। अब सेम मेथड से हमें इस पैर में भी मसाज करनी है, तो मैं बहुत अच्छे से मसाज करूँगी इसको और आप भी अपने फेस को बहुत अच्छे से मसाज कीजिएगा। थोड़ा टाइम देके निकाल के एकदम अच्छे से मसाज करना है पैरों को इत्मीनान से, क्योंकि हम रोज़ रोज़ फीट केयर नहीं करते हैं, बट जब भी करें तो प्लीज़ मसाज को ज़्यादा टाइम दें। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, आप स्क्रीन पर देख पाएंगे मैं मसाज दे रही हूँ तो मेरे फीट्स का ब्लड सर्कुलेशन कितना अच्छे से हो रहा है, आपको फील होगा कितने रेड हो गए फीट्स और आपके फीट बिल्कुल एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है मसाज के बाद। तो मसाज तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे हेड मसाज कर रहे हो आप, फीट मसाज कर रहे हो, हेयर मसाज हो, मतलब जो भी हो, आप बहुत अच्छे तरीके से और टाइम देके उसको मसाज कीजिए और बहुत ही जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से रिलैक्स होके मसाज देनी है। और क्या होगा कि आप जितनी देर तक ऐसे अच्छी तरीके से मसाज करोगे अपनी फिंगर्स की हेल्प से, तो जो भी प्रोडक्ट आप, जो अगर कोई ऑयल ले रहे हो, फ़िलहाल तो हम क्रैक हील क्रीम कर रहे हैं, मसाज ले रहे हैं क्योंकि हील्स की जो प्रॉब्लम है क्रैक की वो दूर करनी है। अगर आपके फीट बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको उस क्रीम की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर आप कोई सा भी ऑयल लेके, ऑलिव ऑयल, ऑलमंड ऑयल या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप किसी भी ऑयल से मसाज दे सकते हो अपने फीट्स को। तो इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपकी स्किन बहुत ही शाइनिंग ग्लोई हो जाएगी और जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं आपके फीट के, जब आप उन्हें दबाते हो तो प्रेशर पॉइंट्स के बारे में बहुत कुछ है जानने को, तो अगर आपको उसकी नॉलेज है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर की, तो आपको बहुत इफ़ेक्ट मिलेगा उससे और बहुत ज़्यादा आपकी कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एक्चुअली बहुत सी बीमारियों का इलाज भी एक्यूप्रेशर से होता है, तो हम सबको भी घर में इस तरह से मसाज करनी चाहिए अपने फीट्स की भी, और इस तरह से उन्हें अपने अंगूठे की हेल्प से, अपने टोज से बिल्कुल अच्छी तरह से रब करना चाहिए, पॉइंट्स को दबाना चाहिए। तो चलिए हम इस तरह से मसाज कंप्लीट कर लेते हैं। कोशिश करें कि फीट पे जो ये क्रीम लगा रहे हैं, जो मसाज दे रहे हैं आप, इसका यूज़ जो है आप नाइट टाइम में ही करें, अगर रात के समय करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपका जो है मूवमेंट नहीं होगा, इधर उधर चलना फिरना नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा आपको, तो आप आराम से फीट मसाज करके उसके बाद सो जाइएगा, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे और क्रीम का इफ़ेक्ट भी और ज़्यादा होगा।
तो इसलिए कोई भी मसाज करें या क्रीम लगाएं आप अपने पैरों में, तो उसका यूज़ रात के टाइम ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये आपके लिए। गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट प्लीज़ आप उसे पूरा ही देखिएगा, क्योंकि मैं पूरा प्रोसीजर आपसे शेयर करना चाहती थी ताकि कुछ भी मिस ना हो आपसे और आप पूरी ठीक तरीके से अपने फेस की केयर कर पाएँ जिस तरह से मैं करती हूँ। तो मसाज हो गई हमारी कंप्लीट। अब मसाज करने के बाद आपको क्या करना है, क्रीम थोड़ी वैक्स से बनी हुई है तो थोड़ी सी थिक है, चिपचिपी सी है, तो आपको मसाज करने के बाद हालांकि ऐसा फील नहीं होता है, बट फिर भी ज़्यादा देर तक मसाज जो प्रोडक्ट है वो आपके स्किन पे टिका रहे, इसके लिए आपको चाहिए होगा कि अब आप वेयर कर लें सॉक्स। तो गर्मी का मौसम है, आप कहेंगे कि सॉक्स वेयर करना कौन चाहेगा इतनी गर्मी में, बात सही है, लेकिन अगर आप गर्मी है तो कॉटन सॉक्स वेयर कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने कोई भी पुराने ओल्ड सॉक्स हों जो आपके साफ़ सुथरे, आप उनको वेयर कर लें। चलिए मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने ले लिए हैं अपने एक ओल्ड सॉक्स, तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जैसे कि हमको साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है अपने पैरों के लिए भी और अपने जो सॉक्स हैं उनके लिए भी। तो इन्हें फटाफट से पहन लीजिए ताकि अगर आप चलेंगे इधर उधर तो जो क्रीम है उससे आप स्लिप भी नहीं होंगे, आपके पैर आपके वो शूज़ में भी नहीं लगेगा, स्लीपर्स में नहीं लगेगी, और मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा देर तक टिका रहेगा और स्किन को बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट कर देगा। तो इससे आपका क्रीम जो है बहुत जल्दी असर करेगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर ही देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और बाकी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लेना। थैंक यू।